स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे जीने दो कहानी मनोहर जामुनी मनु, है ना। उसमें हम संदेश लेखन आपको आज बताएंगे, है ना, संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले संदेश लेखन ये आपको निकालना पेज नंबर 10, है ना। ये दिया है संदेश लेखन, शेर सभी जानवरों को बुलाने जाना चाहता है पर घर में शेरनी के न होने पर वह जा नहीं पा रहा। ऐसे में लंगूर ने उसे संदेश लिखकर छोड़ जाने की सलाह दी। जब आप किसी को कोई बात अविलंब बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते तो ऐसी अवस्था में संदेश लिखकर छोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि मम्मी कहीं गई है और पापा आए हैं, अब मम्मी ने कुछ बता के गई है आपको, तो पापा को हम कैसे बताएंगे, है ना। हमको भी कहीं जाना है तो हम एक कागज में लिख देंगे कि पापा ऐसा ऐसा है, यहाँ पर खाना रखा है और मम्मी ने ये बात बोली है, ठीक है। तो उसी को हमको संदेश लेखन के माध्यम से लिखना है। तो देखिए उदाहरण, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तारीख डालेंगे, है ना। सबसे पहले क्या डालते हैं यहाँ पर, डेट डालते हैं, ठीक। उसके बाद कितना बजा है, मान लो 11 बजे का समय है, वो डालेंगे। फिर लिखेंगे प्यारे डियर आदरणीय पिताजी, यहाँ पर अपन लिखे आदरणीय शेर, ऐसा करके लिखा ना हमने। फिर लिखा है जंगल में फैले आतंक को खत्म करने के लिए मुझे अभी निकल कर जाना होगा और जानवरों को वापस जंगल में लाना होगा। मैं कुछ दिनों में सब जानवरों को लेकर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और फिर लिखेंगे शेर, किसने लिखा, शेर ने लिखा, ये हो गया शेर। तो यहाँ पर अपन ने अगर पापा को लिखे तो आदरणीय पिताजी और यहाँ पर अपना नाम, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं, डिब्बे में दिया गया संदेश दिनांक और समय से शुरू होता है, ये दिया है ना, ताकि पता चल सके कि संदेश किस दिन और किस समय लिखा गया है, है ना। सेकंड, संदेश को छोटा और स्पष्ट रखा गया है ना, बिल्कुल सटीक बात बोली गई है। संदेश में केवल महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगला, संदेश का अंत संदेश लिखने वाले के नाम से हो रहा है, यानी कि अगर हमने लिखे तो हमारा नाम लिखेंगे, ताकि पता चल सके कि संदेश किसके द्वारा लिखा गया। अब देखिए, आइए एक और संदेश लिखने की कोशिश करते हैं। नीचे दी गई बात पढ़िए। नमस्ते नमस्ते, क्या मैं श्रीमती माथुर से बात कर रही हूँ। जी नहीं, श्रीमती माथुर बाहर गई है। आप कौन बोल रही है, ऐसा फोन में चल रही है इनका संदेश, है ना। मैं मयंक की सहपाठी मृणाली बोल रही हूँ। मैं मयंक को बताना चाहती हूँ कि कल विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता है ना, ड्राइंग प्रतियोगिता रखी गई है जिसका विषय बिजली बचाओ। उसके लिए कागज और पानी वाले रंग लेकर आना है। इस प्रतियोगिता के कारण कल हिंदी की पढ़ाई भी नहीं होगी, ठीक है। सूचना देने वाले के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, बाय, ऐसा लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर दिनांक समय, जिसके लिए संदेश उसका नाम मयंक, बातचीत के महत्वपूर्ण बिंदु मृणाली ने बताया कि कल विद्यालय में हिंदी की पढ़ाई भी नहीं होगी बल्कि बिजली बचाओ विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसके लिए तुम्हें कागज और पानी के रंग लेकर जाना। और संदेश देने वाला का नाम क्या है, मीना मौसी, है ना। तो आओ करें 10 जो है आपको करना है, है ना। और मेरी बारी में देखिए, मेरी बारी 6 जो है आपको करना पड़ेगा, है ना। इसको ये संदेश पत्र जैसे बनाते हैं वैसा बनाना, मेरी बारी 6 और आओ करे 10। तो आओ करे 10 हम आपको बता देते हैं। शेर जब सभी जानवरों को ढूंढने निकला तो सभी जानवर नाराजगी की वजह से आने से मना करने लगे। सभी जानवरों को मनाने में शेर को समय लग गया। शेर परेशान हो गया था कि वह शेरनी को खबर कैसे करे कि उसे समय लगने वाला है। तभी उसे जंगल में कूदता हुआ चिंकू बंदर दिखाई दिया। शेर ने उसे अपना एक संदेश शेरनी के तक पहुंचाने के लिए दिया, के लिए कहा। बंदर ने शेर का काम करने के लिए हाँ कर दिया। शेर ने बताया कि बिल्लियां जंगल में आने को तैयार हो गई है। अभी मैं सभी नेवलों को और सांपों को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वे दोनों ही एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्हें मनाने में समय लग रहा है। जैसे ही ये दोनों मान जाएंगे तो मैं सभी को लेकर वापस जंगल में आ जाऊंगा। मुझे अभी थोड़ा और समय लग जाएगा, तुम अपना ध्यान रखना। अब चिंकू यह संदेश लेकर शेर की गुफा में पहुंचा। वहां शेरनी नहीं थी। चिंकू की मदद कीजिए और शेरनी के लिए संदेश लिखकर रखिए। अब दिनांक डालना, जब लिखोगे तब की, है ना। अगर आज लिखोगे तो आज की, समय कितने बजे लिखोगे, फिर संदेश पाने वाले का नाम, शेरनी नाम, है ना। संदेश यहाँ पर लिख सकते हैं, जंगल में आते समय मुझे आपके प्रति शेर, आपके पति शेर मिले, चिंकू बंदर ने कहा, है ना। उन्होंने बताया कि वे बिल्लियों को मना चुके हैं पर नेवले और सांप एक दूसरे के साथ रहने से मना कर रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए बाद में चूहों को मनाएंगे और फिर वापस आएंगे। उन्हें अभी आने में समय लगेगा। और संदेश दे
देने वाले का नाम चिंकू बंदर। तो इस प्रकार आपको ये जो खाली जगह है वहां पर आपको लिखना है संदेश, है ना। इसी ये क्वेश्चन है, इसी से संबंधित संदेश लिखना है। और दूसरा यहाँ पर देखिए, मेरी बारी छे, ठीक है, मेरी बारी छे में आपकी माता जी को बाजार से मेहमानों के लिए सामान लेने के लिए जाना है। घर के कुछ काम है जो पिताजी को करने हैं। माता जी को जाते जाते वे सभी काम आपको बताती हूँ। मेहमानों के आने से पहले ऊपर वाली अलमारी में रखे बर्तन निकाल कर रखने हैं। फ्रिज में रखे खीरे और टमाटर काट कर सलाद तैयार करना है। बच्चों के लिए आलू की चिप्स तलने हैं और सोफे पर रखा कपड़ा मेज पर बिछाना है। आप घर में पिताजी का इंतजार कर रहे थे तभी आपका मित्र आपको खेलने के लिए बुलाने आ जाता है। मित्र के साथ खेलने जाने वाले से पहले अपने पिताजी के लिए पूरा संदेश एक कागज पर लिखकर रखिए। तो देखिए आपको ये छठवें नंबर का क्वेश्चन, वैसे ही संदेश बनाना है, इसको कॉपी में बनाना है और ये जो है इसको आपको यही संदेश बनाना है। ये जगह छोटी है इसको यही बनाना है और आओ करें मेरी बारी छह जो है आपको एक कॉपी पे लिखकर हमें सेंड करना है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों, और आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में।